वेलकम क्लास 7 सकीना पब्लिक स्कूल। हमारा थर्ड चैप्टर एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर्स के ऊपर है। हमने एलिमेंट के बारे में आपको कुछ बताया था कि प्योरेस्ट फॉर्म इसलिए है कि किसी भी एलिमेंट में एक ही तरह के पार्टिकल्स मिलेंगे, एक ही तरह के एटम्स मिलेंगे, लाइक एटम्स, उनमें कोई दूसरी मिलावट नहीं होती, इसलिए इनको प्योरेस्ट फॉर्म कहा गया है। लेकिन इसके कंट्रास्ट में कंपाउंड्स भी प्योर फॉर्म होती है, प्योरेस्ट सब्सटेंसेस हैं, क्योंकि उनमें जो एक से ज़्यादा तरह के एटम्स मौजूद होते हैं उनकी प्रोपोर्शन, उनका रेशियो हमेशा कायम रहता है, एक ही से रहते हैं, कभी बदलते नहीं। जैसे हमने एग्जांपल बताया था, वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स मिलेंगे आपको, और हमेशा 2:1 की रेशियो में, यानी हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक एटम। यानी वाटर मॉलिक्यूल में अगर हम उसको स्टडी करेंगे तो हम पाएंगे कि इसमें हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं और ऑक्सीजन का एक एटम। हमेशा कहीं से भी पानी आप लेंगे, यू विल गेट द सेम प्रोपोर्शन, 2:1। उसी तरह हमने आपको एक और बताया था एग्जाम्पल, एक बड़ी एग्जाम्पल बताया था जिसमें दो से ज़्यादा यानी तीन किस्म के एटम्स देखने को मिलते हैं। जैसे ग्लूकोज है, शुगर है, इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के एटम मिलेंगे और इनका रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। जैसे इसका फार्मूला है C6H12O6, यानी कार्बन के 6 एटम्स, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 एटम्स, ये हमेशा फिक्स रहेगा। ग्लूकोज का जब भी मामला होगा, उसका मॉलिक्यूल जब भी आप देखेंगे, यू विल गेट C6H12O6, बदलेगा नहीं। इसीलिए इनको भी हम कहते हैं, ये भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कंपाउंड। यानी प्योर सब्सटेंसेस में हमारे पास दो चीज़ें हो गई, एक तो एलिमेंट्स हो गए, दूसरे कंपाउंड्स हो गए। तो एलिमेंट्स की जिक्र चल रही थी, तो उसमें हमने आपको बताया था कि इनको हम तीन कैटेगरीज़ में स्टडी करते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। कल हमने बात शुरू की थी नॉन मेटल्स के ऊपर। हमने बताया था कि मेटल्स जो हैं वो हार्ड होते हैं, इनका मेल्टिंग टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और ये ईज़िली कंप्रेसिबल नहीं होते, ये मैलिएबल होते हैं, यानी अगर इनको हैमर करें तो ये थिन शीट में चेंज हो जाते हैं। इन ये डक्टाइल भी होते हैं, यानी इनसे हम वायर भी बना सकते हैं। और ख़ास बात ये है कि ये सोनोरस होते हैं, किसी चीज़ से टकराएंगे तो साउंड प्रोड्यूस करेंगे, और शाइनिंग, लस्ट्रस होते हैं, शाइनिंग पाई जाती है इसमें, ग्रे शाइनिंग पाई जाती है। लेकिन ग्रे शाइनिंग पाया जाना हमेशा कायम नहीं रहता, क्योंकि अगर हम गोल्ड मेटल को लेंगे तो हम देखेंगे कि वो उसका रंग जो है वो सिल्वरी नहीं है, बल्कि वो शाइनिंग तो है उसमें लेकिन वो येलो है। इसी तरह अगर हम कॉपर को लेंगे तो हम देखेंगे कि कॉपर जो है वो जो ब्राउन, रेडिश ब्राउन है, यानी वो भी सिल्वरी नहीं दिखाई देता। तो इस तरह से चेंज हो सकता है कि कलर जो है अलग अलग हो जाए। और भी सब्सटेंसेस हैं, नॉन मेटल हैं, उनके भी कलर अलग अलग मिल जाते हैं। तो एक चीज़ हो गई, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा सॉलिड कंडीशन में ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन ये भी एक शर्त नहीं है, क्योंकि एक ऐसा मेटल भी है जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड नहीं है, लिक्विड की तरह बिहेव करता है, और वो है मरकरी। तो सीसीएम करके एक और है जो रूम टेम्परेचर से कुछ ज़्यादा टेम्परेचर पर लिक्विड की शक्ल में रहता और आ जाता है। तो इस तरह से कुछ एक्सेप्शन के साथ हम कह सकते हैं कि हार्ड होते हैं, मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मैलिएबल हैं, डक्टाइल हैं, लस्ट्रस हैं, सोनोरस है, यानी आवाज़ भी पैदा करते हैं किसी चीज़ से टकराने पर। तो ये कुछ इसकी खासियतें थी जो सॉलिड की हैं। तो सॉलिड में हम कह सकते हैं जैसे आयरन है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है, और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते,
जैसे सोडियम और पोटेशियम, आप इनको कैंची से काट सकते हैं, यानी ये इतने हार्ड होते हैं बस। तो ये भी कोई शर्त नहीं है कि हमेशा ये हार्ड ही होंगे, और आसानी से इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो ये बात भी ऐसी है कि अगर कोई बहुत दबाव डालने वाली मशीन आपके पास है तो अच्छे अच्छे एलिमेंट जो सॉलिड हैं कंप्रेस हो जाते हैं। तो इसके बाद नॉन मेटल्स में ये सारी चीज़ें जो अभी हमने ज़िक्र की, जैसे हार्ड होना ये ज़रूरी नहीं है। नॉन मेटल में आपको लिक्विड भी मिल जाएंगे, गैसेस भी मिल जाएंगे और सॉलिड भी मिल जाएंगे। जैसे सॉलिड में बहुत मशहूर एक सल्फ़र है, आप देखेंगे, और ग्रेफाइट है, ये भी सॉलिड में गिनती होती है इसकी। और गैसेस में आपकी क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सब ऐसे एलिमेंट हैं जो नॉन मेटल एलिमेंट कहलाते हैं। इनका मेल्टिंग टेम्परेचर कम, बॉइलिंग टेम्परेचर कम, और इनको आसानी से कंप्रेस भी कर सकते हैं आप, इजीली कंप्रेसिबल हैं और ये मैलिएबल नहीं होते, बल्कि अगर इनकी हैमरिंग करेंगे और ये सॉलिड है तो दे विल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। ऐसी सिचुएशन को कहते हैं ब्रिटल होना, BRITTLE, ब्रिटल होना, यानी ब्रिटल होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड मेटल्स। मेटल जो है मैलिएबल हैं, दे विल कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स, ये टूट जाएंगे टुकड़ों में, कौन, नॉन मेटल, और ये ब्रिटल हैं। ये डक्टाइल भी नहीं है, इनसे लंबे लंबे तार वायर आप नहीं बना सकते। इसके अलावा ये सोनोरस भी नहीं होते, बहुत अच्छी आवाज़ भी इनमें से नहीं निकलेगी। लस्ट्रस भी नहीं है ये, और कुछ नॉन मेटल जो हैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे अभी हमने आपको बताया, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, सल्फर है, ये नॉन मेटल्स हैं। इसके अलावा एक तीसरी कैटेगरी ऐसे सब्सटेंसेस की है जिनके नाम मैं आपको बताऊं, जर्मेनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनमें मेटेलिक यानी मेटल्स की और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज एक साथ पाई जाती हैं। तो इनको एक थर्ड कैटेगरी में रखा गया है, मेटलॉइड, यानी मेटलॉइड ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसमें हम कह सकते हैं जर्मेनियम है, बोरॉन है, सिलिकॉन है, जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। तो इस तरह से ये एक थर्ड कैटेगरी है।